संविधान जनक को श्रद्धांजलि देशर संविधान लेखक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर 130वां जन्मवार्षिकी को देश पालन करुछे। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकु श्रद्धांजलि अर्पण करिछन्ति। आंबेडकर को मने पकाई आयोजित होइतिबा एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोगदे प्रधानमंत्री कहिछन्ति जे आंबेडकर जयंती अवसर में मु डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को प्रणाम करुछे। तांकर संग्राम माध्यम रे से वंचित वर्ग को मुख्य स्रोत को आनिबा पई कार्य करथिले। बाबा साहेब को संग्राम प्रत्येक पीढ़ी पई एक उदाहरण अटे। डॉक्टर आंबेडकर कहते थे, मेरे तीन उपास्य देवता है, ज्ञान, स्वाभिमान और शील, यानी नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस। जब नॉलेज आती है तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए अवेयर होता है और इक्वल राइट्स से ही समाज में समरसता आती है और देश प्रगति करता है। हम सभी बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हैं। इतने संघर्षों के बाद भी बाबा साहब जिस ऊंचाई पर पहुंचे वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बाबा साहब आंबेडकर हमें जो मार्ग दिखा कर गए हैं उस पर देश निरंतर चले, इसकी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे विश्वविद्यालयों पर हमेशा रही है। और जब प्रश्न एक राष्ट्र के रूप में साझा लक्ष्यों का हो, साझा प्रयासों का हो, तो सामूहिक प्रयास ही सिद्धि का माध्यम बनते हैं। बाबा साहेब का जन्मवार्षिक अवसर में प्रधानमंत्री मोदी तांका जीवनी उपरे लिखित चारिटी बही उन्मोचन करिछन्ते। मोदी बाबा साहेब आंबेडकर को सर्वभारतीय दृष्टिकोण व्यक्ति बोली कहिछन्ते। मोदी कहिछन्ते जे बाबा साहेब आंबेडकर स्वाधीन भारत को एक दृढ़ मूलद्वा देइछन्ते, जहाद्वारा देश गणतांत्रिक ऐतिह्य को दृढ़ करी आग को बढ़ी पारिबो। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। श्री किशोर मकवानी जी की किताब में बाबा साहब के इस विजन के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती है, दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित है, इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ट्र दर्शन हमारे सामने आता है और चौथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देशवासियों तक ले जाएगी। ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक शास्त्र से कम नहीं है। एथसहित गृहमंत्री अमित शाह ट्वीट करी कहिछन्ति, भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर जी समाज वंचित वर्गर शिक्षित तथा सशक्तिकरण करिथिले एवं न्याय और समानता उपर आधार करी आमको एपरी एक प्रगतिशील संविधान प्रदान करिथिले जहां देश को एकतार सूत्र में बांधि रखिबारे कार्य करिथिला। बाबा साहेब का महान जीवन एवं चिंताधारा आमर प्रेरणार केन्द्र अटे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।